मॉर्निंग हो गई है, सुबह थी गई है और सवेरे सवेरे का टाइम है। हमने व्लॉग स्टार्ट कर दिया 9:12। ये क्या, मेरे हाथ भी पतले पतले हो गए हैं। क्या मैं आपको पतला नजर आता हूँ? मतलब ये पहले की तरह, पहले बहुत ज्यादा मोटा थी गया था। अब मुझे लगता है कि अब मैं स्मार्ट बन गया हूँ, अब हीरो लगता हूँ, है ना? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, फिट होंगे, फाट होंगे, जहाँ रहें कुछ रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। बड़ा गेट खोल दिया है मैंने, कहा है अकरम भाई का कद बड़ा है ना, तो आसानी से गुजर आए। बूटियां छुट्टियां लगा लिया है। गमले छोटे हैं, ये तो उठाए भी नहीं जा रहे थे। वो रक्षे पे लोड करके लाए हैं। हाँ जी, वो किस चीज का पौधा है? पता नहीं है यार, ऐसे ही ले आया हूँ, बड़े बड़े थे ना। अच्छा। मैंने कहा चलें ले लेते हैं इनको। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी बच्चे कैसे हैं? माशाल्लाह। ये ना वो कलोटी ऊपर रखनी है क्योंकि ये लुक खराब कर रही है फ्रंट के, और ये वाईफाई निकाल के ऊपर ले जानी है। अच्छा। वो जो सामने है, और ये पौधा जो है इसको उधर लगाना है। दिल कर रहा है कि इसको जमीन में ही लगा दूं। जमीन में लगा। मैंने तो आपको कहा था कि थोड़ी जगह रख, पर आप माने नहीं है। वो ऐसी मशीन है ना, उसके साथ फिर दीवारों को काट लेते हैं वो। पता क्या? हाँ। वो कहते हैं बुजुर्गों का समझाया और आंवले का खाया, बहुत देर बाद असर दिखा। वाह जी वाह, माशाल्लाह। तो मैंने चिट्टी दाढ़ी के साथ आपको समझाया था कि असलम भाई इधर थोड़ी जगह रखे, इधर पौधे शौधे लगेंगे, बेहतरीन रहेंगे। आपने कहा नहीं जी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। असल में ना मैंने सोचा हैदर गंदा हो जाएगा, लेकिन हैदर फिर भी गंदा हो जाता है। वो गंदा ही रहना है। जब तक उसके टायर दोनों ठीक नहीं होते अच्छे तरीके से, उस वक्त तो गंदा रहेगा। चलें जी। टायर का मतलब है जब तक वो अच्छे तरीके से भाग रहे हैं, दौड़ने शुरू नहीं करता, उस वक्त तक ऐसा रहेगा। मतलब जब वो सुलझेगा फिर, हाँ, जो अपनी केयर कर पाएगा ना फिर सही होगा बच्चा। उस वक्त जो है ना साफ सुथरा रहता है जब वो खुद अपनी केयर करता है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो प्यारे बहन भाई, अकरम भाई को बुला लिया है, हमने पाइप लगाना है किचन में, चूल्हे पे जो दूर है चूल्हा, तो इधर सारे कैबिनेट बन गए हैं, तो अब चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, इसलिए सुराख लगाएंगे, इधर से पाइप लेके जाएंगे। ये लेके आया जी वर्मा। हाँ जी। और ये है जी पिस्तौल, ड्रिल मशीन, इस तरह पिस्तौल। हाँ जी, ऐसे लगेगा और ये चलेगा। तो आपने रहना साथ है, ये फिटिंग करते हैं और चाय भी बनवा रहे हैं अकरम भाई के लिए स्पेशल। चाय के बगैर तो जी मैं हिलता ही नहीं जी। हाँ जी, मैंने जी आजकल असल भाई पंजाबी में अपना व्लॉग शुरू किया हुआ है। माशाल्लाह। तो मैं कहना जी असि अपनी मादरी जबान नु तरजीह दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो पंजाबी च व्लॉग बनाया है बड़ा जबरदस्त, तुसी मेरे चैनल सपोर्ट करनी मनाहिल अकरम व्लॉग नु, मैं भी तुहानू लाइक करांगा। हाँ जी, मनाहिल अकरम व्लॉग तो आपने जरूर देखना है, बहुत अच्छे व्लॉग होते हैं। बड़ी शादियां शादियां खा के आए हैं। हाँ जी। चलें ठीक है, काम शुरू करते हैं। अब थ्री स्विच उठा लिया है, अभी बिजली चलाएंगे, फिर किचन के सुराख लगा देंगे पाइप लगाने के लिए। जी ठीक है। हाँ, ये वो प्रेशर पंप लगा दिया। अच्छा, ये ना एक एक लगाना था, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया है। दो दो क्यों लगाए फिर आपने? वो लेके आया था ना कारीगर, फिर उसने कहा एक एक लगा, ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा फिर भी आराम से खुलेगा। हाँ, मैंने कहा हो सकता है खराब भी हो जाता है ना, फिर दूसरा वर्क करता रहता है। ये देखें, टेस्ट करें, लड्डू बना के रखे हैं तिल वाले, खुद बनाए हैं। हाँ जी, बहुत जबरदस्त है, सख्त है। वसीम लेना है, एक आप खा लो, एक इब्राहिम को दे दो।
चिपके हुए हैं। अच्छा जी, चाय पी के काम स्टार्ट करेंगे अकरम भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, क्या बोल रहा था ये, क्या बोल रहा है? कहता जी जब हमारा बेफार्म आएगा फिर हम स्कूल जाएंगे। अच्छा, पहले स्कूल नहीं जाएंगे, पहले हेलक तो थी जाओ। हेलक नहीं थी, वो गए अभी हो जाएंगे ना। फिर हेलक थी सो तो स्कूल में सो। हाँ, दादा के बाद बैठ रो सो। ये तू क्यों यार, आप क्यों नहीं गए? ओ अम्मी की तबीयत खराब थी, फिर वो सब घर है तो हम भी नहीं गए। अम्मी की तबीयत खराब थी, आपने उनको डॉक्टर के पास लेके जाना था। तबीयत अम्मी की खराब है, वो जाने, आप अबू जाने, आप तो स्कूल जाएं। असल में ये मैं अपनी बड़ी बहन के साथ जाता ना, पर वो जो नहीं गई ना घर के कामों की वजह से, फिर ये भी नहीं गया। ये तो इधर जाता है कि उधर जाता है? उधर जाता है, फिजान मदीना में। हाँ, हमारे रेहान भी उधर जाते हैं। हमारा देख सक जाता है, रेहान जाता है इधर फिजान मदीना। हमारे यार एक लड़के ने ड्रामा किया है। क्या हुआ है? वो है ना मेरा कजन है वकास, चाचा असलम का बेटा। उसने साइकिल बेच दिया अपना, साइकिल लेके दिया था उसको 6 महीने पहले मैंने। अच्छा, 19,000 का साइकिल आया था, गिफ्ट किया था, गिफ्ट किया था उसको। तो उसने अपनी बुक्स भी, वो भी कहीं बेच दी है, पता नहीं क्या किया है। अच्छा, तो कल मैंने उसको ना दो हाथ किए उसके साथ, उसकी ना डांट टूट की है। तो कहता है जी मुझे इधर से ना किसी ने बांधा है, ये चक वाला स्कूल है ना, यहाँ से मुझे बांध के रक्षे के ऊपर डाला है, मेरा साइकिल भी और मुझे लेकर लियाकतपुर। तो मैंने कहा बेवकूफ़ इंसान, कोई मानेगा ये बात? सुबह 8 बजे आपको इधर से कोई बांध के रक्षे के ऊपर लोड करके एक चक के अंदर में से चला जाए? हाँ। कोई बंदा नहीं था वहां पे जिसने देखा हो आपको बांध के ले जाए रक्षे ऊपर लिटा के। सही बात है, आपका साइकिल भी बांधा हुआ है, आपको भी बांधा हुआ है। नहीं जी, मेरे साथ ऐसे वो लियाकतपुर गया, लियाकतपुर जाकर मुझे छोड़ा उन्होंने, लियाकतपुर से आया फरोजे, फरोजे से फिर गया है कंडानी की तरफ, पैदल चल के गया हूं कहता मैं। अच्छा, 10 किलोमीटर। तो लड़के कहते हैं ये साइकिल लेके फिर रहा था सेम नाले की तरफ रोही में, उधर कहता हमने इसको आवाजें भी दी है, ये रुका नहीं है। मतलब वो अब गुम हो गया है या उसने खुद जानबूझ के पता नहीं क्या किया, उसने बताता तो नहीं, ये सीधी बात तो नहीं बताई उसने। मैंने 2 थप्पड़ मिल गए उसको। अच्छा, उसने सीधी बात नहीं बताई। चलें चाय पिए, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बेहतर क्या, हैदर बोलता है जी हमने जाना है मम्मा के पास, इधर से नहीं उधर से। हाँ उधर से जुलो, चलो आ जाओ, होले 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 होले। तो आपने बताना जरूर है कि आप कैसे हैं। हम तो ठीक हैं, आज बहुत मजेदार व्लॉग है। आलू पालक किसने बनाई है? आलू पालक किसने बनाई है? अच्छा, ये मोटरसाइकिल पता नहीं किसकी खड़ी है, चलें जिसकी भी खड़ी है चलो फे। उधर है, ऊपर है। हाँ, आपकी मम्मा ऊपर है। हाँ जी, वो ही ढोला ढोलू, क्या कर रहे हो काके गोलू? आ जाओ हैदर, ऊपर जाना चाहोगे? चलो ऊपर ऊपर चलते हैं जी। बेगम साहबा जो है वो बना रही है खाना। चल 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 हैदर, चल 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 चल। भाभी जान की तबीयत सही नहीं है ना, इसीलिए उन्होंने कहा है कि खाना बना दें। हाँ जी, तो उनके लिए खाना बना रही है। क्या बना रही है? रोटी, रोटी बना रही है, टिकड़ी वाली। हाँ। वाह जी वाह, वो है
ओ खाला भी आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। खाला के दे देती है कीर्ति कीर्ति लाड़ी वाला। अच्छा खाना खा लिया? अभी नहीं खाया, अभी तो बना रहे हैं। चूल्हे में जला लेने थी, इधर तो हवा ही बहुत है। अच्छा दो तीन रोटियां मतलब एक साथ बन जाती है, सही है। चले हम काम कर लें, काम हो रहा है ना किचन का। हाँ जी जल्दी जल्दी फिर हमारा किचन मुकम्मल हो जाए। हाँ जी किचन की सेटिंग करें। हाँ जी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए जी चलते हैं फिर नीचे की तरफ और उधर चल के देखते हैं कि क्या काम हो रहा है। काम तो आपको पता है जो हो रहा है। असल में ना आज पता नहीं चल रहा कि क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ। खुशी बहुत है आज, बहुत ज़्यादा खुशी है, हैप्पी हैप्पी लाइफ है। लेकिन हंसने का मन नहीं है। जैसे बंदा हंसता है ना तो खुशी में हंस पड़ता है, वैसा नहीं है। लेकिन दिल बहुत करता है कि पता नहीं क्या किया जाए। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, जो न्यू आते हैं जाना बिल्कुल कहीं नहीं है। और अभी तो हमारा व्लॉग स्टार्ट है, एंड तक लाजमी देखना है, बहुत ही बेहतरीन व्लॉग है इंशाल्लाह ताला। किचन का पैप तो लगा दिया है, अब ये लगाते हैं। ये बच्चों के हैं, हर किसी की अपनी। ये तीनों अलग अलग लगा देते हैं, फिर उसके बाद जिसका दिल करेगा वो इस्तेमाल में करेगा। तीन है, तीन साबुन दानियां लगा देते हैं। ये हैं जी तीनों लगानी है, सारे बच्चों की अलग अलग है। फिर इनमें ट्यूब ब्रश और साबुन वगैरह रख देंगे, सही है। लकड़ के ऊपर रखे हैं, चले आज इसको भी रख देते हैं। आप कहाँ लगाए? इधर ही लगेंगे, इतना ऊंची नहीं लगानी ना, नीचे लगानी है। मतलब ये जो ये है ना इसके साथ लगा दें। वो बच्चे है ना छोटे, वो इसके ऊपर भी हाथ नहीं धो सकते, बहुत ऊंचा हो गया है सिंक। पता क्या ये छोटे बच्चों के लिए वैसे भी होता है। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए ना, जैसे आपकी बेटी बता रहा है, इतने इतने बड़े बच्चों के लिए छोटों के लिए वो छोटा बेसन होता है। हाँ छोटा होता है वो, सिर्फ दीवार में वो लगता है,
फिर उसका पाइप चला जाता है नीचे। ये नीचे वाला उसका नहीं होता है कि नहीं? हाँ जी, चलें जी ये लगाते हैं फिर आपको दिखाएंगे। हाँ, तीसरा इसके साथ लगा दें। ये है वो, ये इसके ऊपर करो क्योंकि ये एक जैसे नहीं है, देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन छोटे बड़े हैं। भाई मैंने ये इधर खड़ा था ना, पहले इसको लगाऊंगा, मैं छोड़ूंगी इसके जगह के हिसाब से लगेगा ना। अच्छा, अच्छा ये जो ट्यूब होती है दांतों वाली, वो कौन सी वाली अच्छी होती है? जिसका जैसा आपको पसंद हो। हम तो पहले कोलगेट इस्तेमाल करते थे। अच्छा, अब बच्चे कहते हैं जी कोलगेट नहीं कर रही हमने। हाँ रखो चार, रखो चार लेके, पता नहीं क्या नाम उसका, बच्चों ने लिख के दिया। अच्छा, मतलब जो सही जरा से आता हो वो ले आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है इधर? हाँ सही है। हैदर रख छोड़ो, हैदर रख छोड़ो, हाँ रख छोड़ो। अभी हम बना रहे हैं मुखलिस भाई के घर में लॉक दरवाजे की। ये आगे दीवार है ना, सही है, बंद हो गया है। आया नहीं मोटरसाइकिल? भला हो गया ना, मैं आप बोल रहे जे था काम करने प्यों वाला, वो भी एक बार कितनी वैसे है ना। डॉक्टर साहब चेक करें, चेक करें डॉक्टर साहब, चेक करें। जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया, जबरदस्त से ऊपर हो गया माशाल्लाह। ये जो इन्होंने कुंडा लगाया हो ना, ये वाला, ये सरिया, ये चकाट है, ये जो बनी है ना चकाट बनी है, ये बनी है टीयर की, टीयर की बनी है। तो ये पल्ला जो है ना, ये दरवाजा, ये थोड़ा मोटाई में ज्यादा है, उसकी मोटाई कम है। हाँ, वो उसमें फिट आता नहीं है, उसमें फिट नहीं आता। ये कारीगर ने ये गलत किया, उसको पता है कि ये चौगाट जो है ये टीयर की है, और मैं ये थोड़ी बड़ी लगाऊंगा, उसने बड़ी नहीं लगाई, उसने बचत की है, वो कारीगर करते ही ऐसे। ठीक हो गया, ठीक है जी। ये पहले ऐसे लगी थी सीधी, हाँ दिखा रहा हूँ, पहले ऐसे सीधी लगी हुई थी, हाँ जी, हमने वहां से उतार के ऐसे लगा दी। हाँ जी, सही किया है। आप दूसरे वाला, हाँ जी, अब दूसरे वाला। नाश्ता मैंने खा लिया है, इतना सा किया है, इसके साथ एक और रोटी थी वो भी मैंने खा लिया है, बस इतना सा नाश्ता किया है। और बेगम बैठी है, हैदर भी साथ खड़ा है, और आज ये कर रहे हैं किचन की सेटिंग, मतलब इनमें बर्तन सेटन जोड़ रहे हैं, और बड़ा वीआईपी माहौल बनाया हुआ है अंदर, देखें सारा किनारा।
सूखी रोटियां रखी है और सारा कुछ रखा है। हाँ। तो इसी के साथ जो है हमारा व्लॉग भी खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट। काका के लिए हम चाहेंगे इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। और हैदर ने भी बोल दिया अल्लाह हाफिज़।